अगर आपसे पूछा जाए कि खाने में आपको क्या पसंद है, तो आप में से कुछ लोग वेजिटेरियन डिशेज का नाम लेंगे और कुछ नॉन वेजिटेरियन डिशेज का नाम लेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसी जगह है जहाँ के लोग बहुत ही विचित्र और अजीबोगरीब व्यंजनों को खाना पसंद करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, मगर कुछ जगहों पर बड़े मकड़े को फ्राई करके खाया जाता है, कहीं पर लॉक्टस को फ्राई करते हैं, चींटी के अंडों का सूप पीते हैं और कुछ लोग मछली की आंख खाते हैं। अगर आपको यह सब मजाक लग रहा है, तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सारी बातें एकदम सच है। तो चलिए आपको बताते हैं उन देशों के बारे में जहां ये सारी चीजें बनती है और बहुत चाव से खाई जाती है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर एक पर आती है टिड्डियां। बारिश होते ही टिड्डियों का आतंक हमें परेशान करता है, लेकिन क्या आपको पता है कि टिड्डियों को स्नैक के रूप में इजराइल में खाया जाता है। इसे प्रोटीन का प्रमुख स्रोत माना जाता है। उनको स्ट्रीट फूड में तले हुए और चॉकलेट में डिप टिड्डियां सर्व की जाती है और लोग इन्हें बड़े चाव से खाते हैं। आपको इजरायली कैफे के मेन्यू में ये जरूर शामिल दिखेंगी। नंबर दो पर आता है चींटी के अंडों का सूप। चींटी देखते ही जहाँ आप और हम लोग चीखने लगते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके अंडों का सूप पीते हैं। जी हाँ, इतना ही नहीं, ये एक लोकप्रिय डिश है। इसमें स्नैक हेड फिश, लहसुन, लेमन ग्रास, नींबू का रस, टमाटर आदि डालकर बनाया जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस नाम की एक बुक एक फूड टूरिस्ट ने भी लिखी थी। नंबर तीन पर आता है फ्राइड टेरेंटुला। यह आठ पैरों वाली मकड़ी कितनी डरावनी लगती है, किसी की आंखों के सामने आ जाए तो आदमी टस से मस न हो, लेकिन इन्हें भी फ्राई करके खाने का रिवाज है। कंबोडिया के स्थानीय लोगों को इसे स्नैक के रूप में खाना बहुत ज्यादा पसंद है। वहाँ के लोगों को टेरेंटुला इतना पसंद है कि कंबोडिया में एक टाउन का नाम स्पाइडर विला सिर्फ इसी कारण से रख दिया गया है, क्योंकि वहाँ के लोगों को फ्राई की हुई मकड़ी खाना बहुत पसंद है। नंबर चार पर आती है टूना आई बॉल्स। जापानी लोग सिर्फ मछली नहीं बल्कि उसकी आँख खाना बहुत पसंद करते हैं। आप जापान के किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएं, वहाँ टूना आई बॉल्स की अलग अलग डेलिकेसी मेन्यू में जरूर दिखेगी। कुछ रेस्टोरेंट में आई बॉल्स को फ्राई करते हैं और कुछ लोग इसे सूप में डालकर खाते हैं। नंबर पाँच पर आता है लाल चींटी की चटनी। ये कहीं और नहीं बल्कि भारत में खाई जाती है। जी हाँ, आपको भी जानकर हैरानी जरूर होगी, लेकिन ऐसा सच में होता है। उड़ीसा के मयूरभंज जिले में लाल चींटी की चटनी खाई जाती है। इसे काई चटनी कहते हैं। इसकी लोकप्रियता के कारण ही इसे जीआई टैग दिया गया है। इसे लहसुन, चींटी और चींटी अंडों को सुखाकर बनाया जाता है। उड़ीसा के साथ ही इसे छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी बनाते हैं। इसी तरीके के और भी कई अजीबोगरीब पकवान हैं जिन्हें अलग अलग देशों में बहुत मजे से खाया जाता है। अगर इसी तरह के विचित्र पकवानों का अनुभव आपने लिया हो तो हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।